शानदार तो मस्त होंगे, सुबह होंगे गैस, ठीक है। तो गैस आज का जो वीडियो है गैस हर बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है गैस। बहुत दिनों के बाद यार गैस यूट्यूब पे फोकस करने का मौका मिला है गैस, अपलोड करने का भी एक मतलब मौका मिला है गैस बोल सकते हो, क्योंकि गैस यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था बिकॉज गैस बहुत ज़्यादा कुछ रीज़न है गैस, ठीक है, तो मैं नहीं बता सकता। तो गाइस चलो वीडियो की तरफ बढ़ते गाइस, और जो भी यार चैनल पे न्यू है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे दबा दो, तो जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता है आपके पास एकदम टाइम टू टाइम बिना लेट के गाइस, ठीक है। और जो घंटा है एकदम फोड़ डालना, ठीक है। तो गाइस चलो, और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ऑब्वियसली कर देना गाइस, ठीक है। तो गाइस हमारे फैमिली को, मैं मेंबर्स को बोलना चाहूँगा गाइस, आप लोग गुस्से मत हो गाइस, आपका सुबह भाई आपके पास है गाइस, ठीक है। और जिनका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है गाइस ऑब्वियसली मुझको मैसेज करना, ठीक है, मेल बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, ईमेल आईडी पे ऑब्वियसली मैसेज करना गाइस, ठीक है। मैं सबके लिए हूँ, मैं सबका हेल्प करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। और गाइस आज का चलो कुछ अपकमिंग लीक्स और अपडेट के बारे में बात करेंगे गाइस, ठीक है। और कल से गाइस लाइव करेंगे, तो लाइव पे भी आ जाना, जुड़ जाना हमारे साथ, ठीक है। तो गाइस चलो दिखा देते हैं बेसिकली इंडिया सर्वर में क्या क्या चल रहा है गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस ये जो इवेंट है गाइस, अटैक टाइटन समोनिंग, तो गाइस ये इवेंट बहुत ही जल्दी, ठीक है, मतलब हमारे इंडियन सर्वर में आने वाला है, जहाँ पर गाइस ये देख सकते हो ये बंडल में क्या यार कुछ पहन कर रखा है कि नहीं, मुझे शक है यार गाइस, ठीक है। तो जहाँ पर एक स्पिन का लेके भाई, एक स्पिन का, ओ भाई एक स्पिन का 10 डायमंड एंड 5 स्पिन का 325 डायमंड, क्या बात है गाइस, ठीक है। तो गाइस कॉस्ट 1 डायमंड का पड़ता हो गाइस, ये जो मतलब आप देखो जैसे ज़ॉम्बी समुराई बंडल वाला जो इवेंट आया था, सेम टू सेम गाइस ये एक ही इवेंट है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस है बस, यहाँ पर एक वल्केनो जैसा कुछ पत्थर दिया गया है, वो जैसे आप डायमंड स्पेन करोगे, मतलब 20-20 डायमंड आप जैसे स्पेन करता रहोगे, तो आपका जो लक पाने का चांस है गाइस ये बंडल, तो वो इंक्रीज होता जाएगा गाइस, ठीक है। और ये जो बंडल है गाइस, यहाँ पर लिखा है गाइस साफ साफ कि अटैक टाइटन बंडल कैन ओनली बी ओन्ड बाई मेल गाइस, तो आप ओनली वन इसको मेल जो है, मेल कैरेक्टर जो इसको बोलते हैं, जितने भी लाइक मेल कैरेक्टर है तो उसमें आप ये बंडल को पहना सकते हो, लेकिन कोई भी लड़की कैरेक्टर में आप इसको नहीं पहना सकते, ये गैरेना फ्री फायर में साफ साफ लिख दिया है गाइस, ठीक है। तो इतना बड़ा डाउट क्लियरिंग आप लोगों का आई होप कि हो गया है गाइस, ठीक है। और गाइस और कुछ भी नहीं है, एक स्पिन का 10 डायमंड लेकर जा रहा है, 5 स्पिन का 3, हमारे सर्वर में कुछ अलग ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर एक स्पिन का करीब 20 डायमंड लेगा एंड गाइस 5 स्पिन का गाइस लेगा आई होप कि 90 डायमंड गाइस, ठीक है। तो जिनका जितना लक अच्छा रहता है, और ये जो मतलब ये वॉल्केनो जैसे जो इतने चीप बोलते गाइस, चीपेस्ट बोलते इसको, मतलब जैसे ही आप इसको मतलब 20 डायमंड खर्चा करते जाओगे, उतने पुराने का चांस जो है इंक्रीज होता जाएगा और ग्रैंड प्राइस निकलेगा गाइस, ठीक है। और गाइस और दोनों अपडेट है वो गाइस वेपन रॉयल को लेके गाइस, ठीक है, जहाँ पर गाइस दो लीग मिल रहे, दो लीग निकल के आता है गाइस, जहाँ पर एक है गाइस अभी कार्नेटेड चल रहा है बेसिकली, तो नेक्स्ट वेपन रॉयल आएगा, दो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो गाइस नेक्स्ट गाइस जो M60 है तो ये भी आ सकता है, और नेक्स्ट गाइस M14, तो मुझे जहाँ तक लगता है गाइस ये M14 का जो स्किन है, तो ये आई होप कि गैरेना फ्री फायर में मतलब फर्स्ट टाइम लेजेंडरी एक स्किन आने वाला है M14 के ऊपर बेस, ठीक है, M14 का गाइस, क्योंकि गैरेना फ्री फायर में M14 का अभी तक भी कोई लेजेंडरी गन स्किन नहीं है। और इसी के साथ साथ देख सकते हो गाइस M60, तो गाइस माना जा रहा है कि ये दोनों, ठीक है, गन के अंदर कोई एक गन, ठीक है, हमारे लक रॉयल में आएगा, मतलब वेपन रॉयल में आएगा गाइस, ठीक है, जहाँ पर आप स्पिन करके ये इजीली आप निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। और वैसे के लिए कुछ भी नहीं है, और गाइस एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, वो गाइस जो जो यार एलाइट पास के लिए रुके हुए, तो मेरे बात सुनो गाइस, आप एलाइट पास के लिए रुक जाओ, वैसे के लिए मुझे जहाँ तक लीक निकल के आ रहा है गाइस, ये जो लीक जो इकट्ठा करता है ना गाइस, बहुत मेहनत लगता है गाइस लीक इकट्ठा करने में, तो यार मेहनत तो रंग लाएगा, जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे तभी मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ गाइस कि थोड़ा सपोर्ट करो भाई को, क्योंकि अगर भाई को सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, बस यही बात है। तो दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, तो ऐसे क्या भाई कुछ मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को, और मोटिवेट गाइस बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो चलो गाइस, और तुम्हारा आप लोगों का सुबह भाई, ठीक है, आपके पास ही है, तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। और जो जो बंदे को लोग चाहिए वो बेसिकली मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, वो मुझे पर्सनल में ईमेल आईडी में, ठीक है, ऑब्वियसली मैसेज करना या फिर मेल कर देना गाइस, ठीक है, जो बोलते। और गाइस जो और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि जो जो बंदे यार पुराने वीडियो को देख के आ रहे हो कि कैसे हाउ टू ज्वाइन ओवरपावर गिल्ड, तो मैं उन लोगों को साफ साफ बता देता हूँ, उस वीडियो में, ठीक है, उस वीडियो को पूरा देखो, उसमें जो गिल्ड, ठीक है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, रेस्ट्रिक्शन के बात ही कही गई है, तो वो सब कुछ चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो ओवरपावर गिल्ड है अब ओवरपावर गिल्ड नहीं रहा, उसका नेम चेंज करके टीम इंडिया रख दी गई है, और ये यूँ ही समझ लो कि नेम चेंज हो गया तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। तो उसके हिसाब से गाइस गिल्ड रेस्ट्रिक्शन सब कुछ चेंज कर दिया गया है, ठीक। तब तो मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू ज्वाइन इन टीम इंडिया गिल्ड, ठीक है, तो आप वो वीडियो साफ साफ देख लेना एंड वहाँ पर सब लोग ज्वाइन हो जाना। गाइस व्हाट्सएप ग्रुप पे आके गाइस डिस्टर्ब मत करो कि भाई हमको ज्वाइन कर लो, हम बहुत गरीब है, तो ये सब चीज़ें मत लिखो यार, मेरे लिए यार सभी समान है गाइस, ठीक है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, मैं सबके लिए हूँ गाइस, सबका एनी हेल्प, ठीक है, सबके लिए मैं हेल्प करूँगा। लेकिन भाई ऐसा कोई लिखो ना कि मैं गरीब हूँ तो मुझे यार मैं सीधा उसको ब्लॉक कर देता हूँ गाइस, ऐसा अगर कोई लिखता है, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, आप अगर लकरोल की में ये जो लकरोल आया है गाइस कोपरा वाला MP40, और गाइस ये जो है M4A1 का है, तो ये कत्ते जहर वाला है गाइस, ठीक है, आप ले सकते हो डायमंड खर्चा करके, तो मैं रिकमेंड करूंगा गाइस ये कोपरा वाला MP40, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं गाइस, ठीक है। तो ये कोपरा वाला MP40 मैंने एक दिन ही नहीं यूज़ किया, इतने ज़्यादा हेट लग रहा है गाइस, मतलब पूछो ही मत गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोग देखो गैना फ्री फायर में सभी यार पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि जो पैसा इन्वेस्ट करेगा इस गेम में वो आगे चला जाएगा, ऐसा ही कुछ माना है, ठीक है। तो हम लोग भी पैसा वेस्ट करते हैं, हम लोग भी नहीं है, लेकिन गाइस मैं अगर जो भी पैसा वेस्ट कर रहे हो तो इसके पीछे वेस्ट करो यार, मेरे बात को सुनो गाइस, इसके पीछे वेस्ट करो, क्योंकि जो जो यार बंदा बंदी पोकर MP40 जब आया था लक रॉयल में इनक्यूबेटर में, तो वो जो लोग नहीं ले पाए हो तो उनके लिए एक चांस है ये कोपरा वाला MP40 निकालने की, क्योंकि ये इवेंट और 5 दिन रह गया है। तो कत्ते जहर वाले ये MP40 मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। अगर आप लोग पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप लोग डायमंड टॉप अप कर रहे हो, तो गेम्स खरीदो से कर लो, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डायमंड आपको प्रोवाइड कर दिएगा गैना फ्री फायर, 1100 डायमंड, 800 का टॉप अप अगर नॉर्मली आप गेम से करते हो तो आपको मिलता है गाइस 1060 डायमंड, अगर आप गेम्स खरीदो से करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डायमंड प्रोवाइड कर देता है, जैसे लाइक 1100 डायमंड 800 का टॉप अप पे। तो गाइस मेरे हिसाब से गाइस आप 800 का टॉप अप करके ये वाला जो स्किन है गाइस ये आप इजीली ले पाओगे गाइस। एंड गाइस कत्ते जहर वाला ये स्किन, ठीक है, मेरे बात को सुनो गाइस, जो जो यार पोकर MP40 नहीं ले पाए हो तो उनके लिए एक चांस बनता है ये कोबरा वाला MP40 निकालने का, ठीक है। और गाइस मतलब किसका कितने डायमंड में निकला है ये ऑब्वियसली बताना, मेरा तो गाइस 150 या फिर 180 डायमंड में निकला गया है। और एक छोटे सा आपके साथ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ गाइस, जो भी यार ये कोबरा वाला MP40 लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से गाइस वो रात में स्पिन करो, मैं टाइम भी बता दे रहा हूँ गाइस, रात 12:30 से 1 बजे के अंदर, रात 12:30 से 1 बजे के अंदर का आप लोग ये कोबरा वाला मतलब MP40 में स्पिन करोगे तो क्या होता है कि देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% मैं गारंटेड दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये निकलेगा, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबका लक यार, ठीक है, नहीं मैच करता, किसी का लक अच्छा रहता है तो किसी का लक बहुत ही बुरा रहता है। तो बेसिकली मेरे जो रिपोर्ट है कि सबका 1100 डायमंड के अंदर मतलब 1083 डायमंड के अंदर ये कोबरा वाला MP40 निकल जा रहा है, तो मेरा लक अच्छा था इसलिए मैंने, लेकिन मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप रात में इसको स्पिन कीजिए, क्योंकि रात में जो सर्वर है ना हमारा, तो उसमें जो प्रेशर रहती है वो प्रेशर हट जाती है, तो इसीलिए सर्वर यार बहुत ही क्लीन रहती है, प्रेशर नहीं रहती है, ऐसे के दौरान गाइस अगर आप इस टाइम में स्पिन करो तो ग्रैंड प्राइज पाने का चांस बहुत ही दुगना हो जाता है गाइस, सोचते हो दुगना हो जाता है, इसीलिए ग्रैंड प्राइज पाने का चांस बहुत ही अच्छा मिलता है गाइस, ठीक है। तो गाइस बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था गाइस, ठीक है। तो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही, फिर मुलाकात होगी गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर टू ऑल।